Hello, I'm Assam students. It's me, Vikram Kumar, from Shine High Secondary School, Kasamabad, Hyderabad. So, these students, our math samajhe continue hai. So, aaj ki class mein jo samjhenge, exercise 4.4 continue hai. Iska question number 4 ko samjhenge. Question number 4 samjhenge. ठीक है. अब question number 4 में दो different equations given hai. दोनों की डेरिवेटिव फाइंड आउट करनी है, डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करना. अब देखिए दो डिफरेंट इक्वेशंस हैं, तो दो डिफरेंट इक्वेशंस इन कॉमन वेरिएबल, दोनों में वेरिएबल जो है थीटा इज अ वेरिएबल, वो कॉमन है. ये इक्वेशन एक्स एंड ये इक्वेशन वाई के फॉर्म में है. इफ टू डिफरेंट इक्वेशंस आर इन कॉमन वेरिएबल देन दैट इक्वेशंस आर नोन एज पैरामेट्रिक इक्वेशंस, उनको बोलेंगे पैरामेट्रिक इक्वेशंस. ठीक, अब हम पैरामेट्रिक इक्वेशंस की डिफरेंशिएशन परफॉर्म करनी है. आइए समझते हैं कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे समझते हैं. ठीक है, तो देखें सॉल्यूशन. फर्स्ट इक्वेशन x इक्वल्स टू a थीटा माइनस sin थीटा. सेकंड इक्वेशन y इक्वल्स टू a 1 माइनस cos थीटा. इन दोनों की डिफरेंशिएशन परफॉर्म करनी है at theta is equal to pi by 2 pe. ठीक है, अब डिफरेंशिएशन परफॉर्म करेंगे. सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू गिवन वेरिएबल, जो इक्वेशन में है वेरिएबल है थीटा, ऑन बोथ साइड वी गेट. सही है, दोनों साइड पे डिफरेंशिएट परफॉर्म करेंगे दोनों की. सो देखें d by d थीटा x के हिसाब से. अब a इज अ कोफिशिएंट, क्योंकि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा के हिसाब से परफॉर्म हो रही है. सो d बाय t थीटा ब्रैकेट में थीटा माइनस sin थीटा sin, जस्ट d बाय t थीटा सिंपल ऑन बोथ साइड लिखा है. अब dx बाय d थीटा इक्वल टू a कोफिशिएंट है. अब डेरिवेटिव परफॉर्म करनी है ब्रैकेट के अंदर दो टर्म्स से, तो दोनों की डिफरेंशिएशन परफॉर्म करेंगे. d बाय d थीटा पहले थीटा है, माइनस डी बाय डी थीटा सेकंड टर्म जो है साइन थीटा, दोनों की अलग अलग डिफरेंशिएशन परफॉर्म करेंगे लिखा. ठीक, अब देखिए ये डी एक्स बाय डी थीटा इक्वल टू ए, थीटा की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा के हिसाब से परफॉर्म करेंगे, दैट इज 1 माइनस ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म साइन की डेरिवेटिव है कॉस थीटा. ठीक, अब ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म की डेरिवेटिव हो गई. अब ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म की जो एंगल है उसकी भी डेरिवेटिव परफॉर्म करनी है, वो है थीटा, तो थीटा की डेरिवेटिव करेंगे. सही है, ऐसे समझ में. देखिए आगे मूव होते हैं, डी एक्स बाय डी थीटा इक्वल टू ए ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय थीटा की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा के हिसाब से होगी 1. ठीक, सो देखिए डी एक्स बाय डी थीटा इक्वल टू ए ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 सिंपली कॉस थीटा सेम रहेगा, सेम लिखा. सही है, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे. ये यहां तक लाओ, खत्म, डेरिवेटिव हो गई. अब नेक्स्ट इक्वेशन उसकी भी डेरिवेटिव परफॉर्म करेंगे, सेम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स के हिसाब से, विद रिस्पेक्ट टू थीटा के हिसाब से, इज इक्वल टू a कोफिशिएंट बाहर आ गया d by d theta 1 minus cos theta, just derivative on both side लिखी है. अब देखिए सिंपलीफाई करने जा रहे हैं, d by d theta equal to a bracket के अंदर दो टर्म्स हैं, तो दोनों की डेरिवेटिव करेंगे, पहली वन माइनस डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा के हिसाब से, सेकंड टर्म cos थीटा, उसकी डेरिवेटिव कर दिए. सही, दोनों की डेरिवेटिव जस्ट लिखी है. अब नेक्स्ट स्टेप पे परफॉर्म करेंगे. So, देखें d by by d theta equal to a constant number 1 derivative with respect to theta के हिसाब से परफॉर्म हो रही है, तो constant number की derivative 0 minus trigonometric term cos है, तो cos की derivative है minus sin theta, my multiply की sin देगी, क्योंकि ये minus term की अपनी है. अब cos की derivative minus cos की minus into minus है. अब cos की तो डेरिवेटिव हो गई, cos की एंगल की भी डेरिवेटिव परफॉर्म करनी है, थीटा इक्वल टू थीटा की डेरिवेटिव करेंगे. ओके, आई बात समझ में, क्लियर है? तो
गौर से समझेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। रिकर्स टू ए जीरो मींस नथिंग, कोई भी नहीं है। माइनस मल्टीप्लाई माइनस के साथ करेंगे, प्लस हो गया। ये साइन थीटा मल्टीप्लाई थीटा की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा के हिसाब से 1। ओके क्लियर है। सो डी वाई बाय डी थीटा की वैल्यू मिली, ए साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो सिंपली ये साइन थीटा होगा। सही है स्टूडेंट्स, क्लियर है। ज्यादा डेरिवेटिव दोनों इक्वेशंस की परफॉर्म की जो आपके सामने। अब क्या करेंगे, अब फाइंड करेंगे डी वाई बाय डी एक्स। एक्चुअली फाइंड करना है ये पैरामेट्रिकली। अब कैसे फाइंड करेंगे वो समझते हैं। सो अब देखें इस साइड पे भी बोलते हैं डेरिवेटिव फाइंड करनी है। नाउ बाय यूजिंग चैन रूल, पैरामीटर के लिए अगर इक्वेशन सब की डेरिवेटिव फाइंड करनी है तो चैन रूल यूज करेंगे। तो चैन रूल में डी वाई बाय डी एक्स फाइंड करना है, डी वाई बाय डी थीटा इनटू डी थीटा बाय डी एक्स। ये चैन रूल यहां पर थीटा जो कॉमन वेरिएबल है इसलिए डी वाई बाय डी थीटा की जो वैल्यू ये देखिए डी वाई बाय डी थीटा की वैल्यू ए साइन थीटा आ गई मल्टीप्लाई साइन डी थीटा अपॉन डी एक्स। So, d theta upon d x तो यहाँ से आएगा। अब देखिए d x upon d theta है, मगर फॉर्मूला के हिसाब से d theta upon d x चाहिए, तो इसको हमको रेसिप्रोकल करना है। d theta by d x ना हो गया रेसिप्रोकल, तो साइड पे वैल्यू जो कंप्लीटली रेसिप्रोकल हो जाएगी 1 minus cos theta। मुझे फॉर्मूला के हिसाब से रेसिप्रोकल फॉर्मिंग चाहिए, सही है? So, रेसिप्रोकल फॉर्मिंग चाहिए, तो आपके सामने ये देखिए d theta by d x equal to 1 upon j d theta and dx दोनों reciprocal होंगे, तो ये complete term ये भी reciprocal होगा क्योंकि value चाहिए इसलिए। तो 1 by divided by a bracket में 1 minus cos theta d theta by dx की value जो आपके सामने। अब देखें क्या हो रहा है, dy by dx equal to a, a भी कैसे हो गया ठीक, दोनों फ्रैक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं फ्रैक्शन में, साइन थीटा मल्टीप्लाई वन के साथ करेंगे तो साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा सेम है ठीक। अब डी वाई बाय डी एक्स एट थीटा जो है पाई बाय 2 पे स्पेसिफाइड पॉइंट एट थीटा पाई बाय 2 पे डेरिवेटिव फाइंड करनी है फाइनली, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 लिमिट है। तो देखिए साइन pi by 2 divided by 1 minus cos pi by 2 theta is replaced by value, that value is pi by 2। clear hai, aayi baat samajh mein theek। ab dekhen so equals to sin pi by 2, pi by 2 means 90 degree, pi by 2 means 90 degree, ye aapko yaad hona chahiye। to sin 90 degree ki jo value hai 1 upon 1 minus cos pi by 2 again cos 90 डिग्री की वैल्यू है 0, सही है? ये बेसिक वैल्यूज है, याद रखनी पड़ेगी आपको ठीक। तो sin 90 डिग्री मींस 1, cos 90 डिग्री मींस 0 ठीक है। तो 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0 मींस सिंपली 1, तो 1 अपॉन 1, 1 डिवाइडेड बाय 1 क्या हुआ सिंपली 1 आ गई। ओके स्टूडेंट्स क्लियर है, आई बात समझ में? तो ये है सिंपल बेसिक डेरिवेटिव जो प्रीवियस प्रॉब्लम में हम समझते आ रहे हैं, सेम वही प्रोसेस है। अलग अलग डेरिवेटिव फाइंड की दोनों इक्वेशंस की, फाइनली चैन रूल यूज करके इनको कंबाइन किया, डी वाई बाय डी एक्स आपके सामने मिला। स्टूडेंट्स आई बात समझ क्लियर है, कंसंट्रेशन से गौर से समझी देन प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगी है, सही है? तो अब आपको फर्स्ट बनता है इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, उसके साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिले, आप प्रैक्टिस कर सकें। गुड स्टूडेंट्स, लाफिज़।